पंजाब पुलिस द्वारा भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर मची गर्मा गर्मी के बीच आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। अम्बाला में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सुशील गुप्ता ने कहा है कि हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भाजपा देश में गुंडा राज चला रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस बार बार नोटिस देने के बाद भी जवाब न देने पर एक अपराधी को गिरफ्तार करके ला रही थी, लेकिन भाजपा ने हरियाणा पुलिस का इस्तेमाल कर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और गुंडागर्दी दिखाते हुए एक अपराधी को बचाने का काम किया है। देखिए, हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडा राज चलाती है। एक अपराधी को 5-6 बार नोटिस भेजा जाए, जिस राज्य से गिरफ्तार किया जाए उस राज्य के पुलिस को कोऑर्डिनेशन के अंदर पहले लिख दिया जाए, और जिसको कोर्ट के अंदर पेश करना हो, कानून ने अपना काम करना हो, उसमें गुंडागर्दी दिखा के हरियाणा पुलिस अपने अपराधों को रोकने में तो असफल है। हर रोज़ मर्डर होते हैं यहाँ पे, महिलाएं शाम को 6 बजे से बाद घर से निकलने में डरती हैं, युवक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, ना इनसे स्कूल सुधरे ना हॉस्पिटल, परंतु गुंडागर्दी करने के लिए तैयार है, अपने अपराध रोकने के लिए तैयार नहीं है। व्यापारियों से हर रोज़ फिरौती मांगी जाती है, यहाँ पर सरेआम मर्डर तक कर दिया जाता है, उनको पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस कुछ नहीं कर रही, परंतु कानून के रास्ते एक व्यक्ति को लाया जा रहा हूँ उसको रोकने के लिए हरियाणा पुलिस सब कुछ करने के लिए तैयार। अगर कोई कंप्लेंट हुई, कोर्ट्स के संज्ञान में लाया गया, कोर्ट में एक व्यक्ति को पेश करना है, ये तय करना कोर्ट का काम है कि वो अपराधी है नहीं है। पुलिस ने अपना काम किया, कानून अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगी। अगर उसको सर्टिफिकेट पार्टियों के लोग देने लगेंगे तो कानून कहाँ रहेगा? कि मैं ये कह रहा हूँ, ये वही ताकतें हैं जो देश को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके रखते हैं। चुनाव के समय कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ बोलते हैं, पहले कुछ बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं जी, कानून जब कोर्ट के संज्ञान में एक बात है, आगे भी पंजाब पुलिस कोर्ट के रास्ते इस बात को आगे ले जाए। दरअसल तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और कुरुक्षेत्र में हंगामे के बाद बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कल हरियाणा पुलिस को अपना हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है और सियासतदान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार पलटवार में जुटे हैं। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।